मैंने एक सांप की जान बचाई, उस परेशान किया तो सांप ने मुझे डस लिया। वो फिर जाकर उस बकरी को देखता है, क्या देखता है कि अब वो शेर के बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो बकरी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वो परिंदा जाकर बकरी से कहता है कि ये क्या माजरा है, मैंने नदी और तालाब के किनारे सांप की जान बचाई तो सांप मुझे डस लिया, और आज मैं देख रहा हूँ कि यही शेर के बच्चे बड़े होकर तेरा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तेरी मदद कर रहे हैं। तो बकरी ने जो जवाब दिया पाकवाड़ा के लोगों, उसको याद रखना 15 तारीख के दिन। उस बकरी ने कहा, ए नादान, जब तू किसी पर एहसान करना चाहता है तो देख ले कि वो जर्फ वाला है या कमजर है। तूने कमजर पर एहसान किया और तुझे सांप ने डस लिया। मैंने जर्फ वालों पर एहसान किया, इसलिए आज इस शेर के बच्चे बड़े होकर मेरी हिफाजत कर रहे हैं। अगर आप कमजरों को और देंगे तो जिस तरह सांप ने उस परिंदे को डस किया, इसी तरह ये आपको डस देंगे। आप एहसान करेंगे किस पर? मुस्लिम पर। आप एहसान करेंगे चौधरी फिजा अल्लाह पर, और यकीन जानिए चौधरी फिजा अल्लाह और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम आपके भरोसे को कभी शर्मिंदा होने नहीं देगी। आप जिस वक्त जिस घड़ी में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के नुमाइंदे चौधरी फिजा अल्लाह को बुलाएंगे, वो दौड़ते हुए आपके पास आएंगे, आपकी खिदमत करेंगे। ये उस खानदान से उनका ताल्लुक है, माजी में आपने देखा कि किसी एक पार्टी से नुमाइंदा कामयाब हुआ, और जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कामयाब हुआ वो उनसे वफा नहीं कर सका और दरअसल इख्तदार जमात के आगे जाकर झुक गया, उसमें शामिल हो गया। मगर आज आप क्या देखते हैं कि आपके विधानसभा में जो तरक्याती काम होना था वो काम नहीं हुए। अभी आपने सुना कि कैसे यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर मौजूदा मुख्यमंत्री के बड़े गहरे अजीज दोस्त थे, वक्ते जिगर थे, वाइस चांसलर साहब आप मुख्यमंत्री के वक्ते जिगर होंगे, मगर याद रखिए 15 तारीख के बाद और 11 नवंबर के बाद एक जलजला आने वाला है यहाँ पर। माजी में आपने डीएमयू यूनिवर्सिटी का गंदा पानी इस पार्क वाला के इस पार्क जगह पर छोड़ छोड़ कर जेर जमीन पानी को तबाह तबाह करके रख दिया। आपने मुख्यमंत्री की दोस्ती की बिना पर इस मुकाम के गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर पूरा कचरा लाकर डालते हैं, कचरा डालने का इंतजाम नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये तीनों अहम मसले आपके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के विधायक इंशाअल्लाह ताला चौधरी फिजा अल्लाह उसको हल करेंगे, और जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर अपनी कामयाबी के बाद इस मसाइल को हल करेंगे। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बात को मैं नसीन कर लेना है कि यहाँ से मुकाबला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चौधरी फिजा अल्लाह और बीजेपी से मुकाबला, और बीजेपी को अगर शिकस्त देना है, मोदी को हराना है, तो चौधरी फिजा अल्लाह को कामयाब करना है। यहाँ पर मुकाबला चौधरी फिजा अल्लाह का मोदी से है, यहाँ से हम तमाम का मुकाबला मोदी से है। कहीं तो हो किसी जगह पर जहाँ से उठकर हम लोग मोदी को शिकस्त दे सके। हालिया पार्लिमानी इलेक्शन जो 3 साल पहले हुए थे मेरे भाई, 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, मुरादाबाद की पार्लियामेंट की सीट पर भी बीजेपी कामयाब हो गई। याद रखिए आपने तो वोट दिया था सेक्युलर पार्टी सपा को, कांग्रेस को दिया, मगर इनका वोट इनके पास नहीं था, इनका वोट जाकर मोदी के गोद में बैठ गया, इनका वोटर मोदी को अपना लीडर मान लिया। अगर आज इस हल्के से आप चाहते हैं कि बीजेपी की कामयाबी को रोकना है, तो मैं आपसे दरबंदाना अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहिद हो जाइए मेरे भाई, अपने एक एक वोट को जाय होने मत दीजिए, और मुत्तहिदा तौर पर
اتحاد پاکستانی ایک اتحاد قوت ہے، اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے. آپ متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور بی جے پی اتر پردیش کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. ابھی یہاں پر آپ کے سامنے اس بات کو رکھا گیا کہ عید میلاد النبی ماہ رب الاول میں عید میلاد النبی کے جلسے کو کرنے میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے. بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ اتر پردیش میں اگر ان کی سرکار خدا نہ خواستہ بنے گی تو ٹرپل طلاق کے مسئلے کو اٹھائیں گے اور ختم کریں گے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم سے اور بی جے پی کے صدر سے، آپ کو ٹرپل طلاق کے بارے میں کیا علم ہے بتا دیجیے ہم کو. ٹرپل طلاق کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے فقہ حنفیہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ فقہ حنفیہ کی کتاب ہدایہ کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ مگر محض نفرت پھیلانے کے لیے آج بی جے پی کہتی ہے کہ ٹرپل طلاق کے مسئلے کو ہم اٹھائیں گے. میں بی جے پی کے صدر امت شاہ اور ہندوستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم خواتین کو مقام دلائیں گے، مسلم خواتین سے ناانصافی ہو رہی ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں مسلم خواتین کو انصاف دلانا چاہتے ہیں تو سنو نریندر مودی، جب آپ گجرات کے چیف منسٹر تھے تو آپ کے دور اقتدار میں گلمرگ سوسائٹی میں احسان جعفری کا قتل ہوا. کیسے قتل ہوا؟ احسان جعفری کے جسم کے 25 ٹکڑے کر دیے گئے. احسان جعفری ہندوستان کی راجیہ سبھا کا رکن پارلیمان رہ چکے ہیں، اس کے بعد ان کے جسم کو جلا دیا گیا. اخبارات نے لکھا کہ احسان جعفری نے کئی مرتبہ نریندر مودی کو بحیثیت چیف منسٹر کے دفتر پر فون کیا مگر مدد کو کوئی نہیں آیا. میں نریندر مودی سے کہنا چاہ رہا ہوں، مسٹر مودی، اگر آپ واقعی میں مسلم خواتین کو عزت دینا چاہتے ہیں، انصاف دلانا چاہتے ہیں، تو اسدالدین اویسی آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ دلی میں احسان جعفری کی بیوا زکیہ جعفری کو اپنے بازو بٹھا کر بات کو کرو، اس سے انصاف کرو، پھر اس کے بعد آپ ترپل طلاق کی بات کریے. اگر آپ مسلم خواتین سے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو بدایوں کا ایک لڑکا نجیب، غریب خاندان کا بچہ نجیب، دلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کو پڑھنے کو گیا. ایک رات میں بی جے پی کی اسٹوڈنٹ تنظیم نے اس کو مارا پیٹا. اس کے بعد سے 3 مہینے ہو چکے ہیں، نجیب غائب ہے. نجیب کی ماں دلی کے روڈوں پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں روتے ہوئے پھر رہی ہے. ایک ماں پکار رہی ہندوستان کے وزیر اعظم، جواہر لال نہرو یونیورسٹی آپ کے گھر سے بمشکل 15 منٹ کے راستے پر ہے. کیا ہندوستان کے وزیر اعظم، کیا نجیب کی ماں کی ہائے، کیا نجیب کی ماں کے آنسو کی آواز آپ کے کان تک نہیں پہنچی کہ ایک ماں پکار رہی ہے کہ میرا نجیب کہاں ہے، میرا نجیب کہاں ہے؟ دلی میں پولیس مرکزی سرکار کے ماں تہراتی ہے. اے ہندوستان کے وزیر اعظم، اگر آپ مسلم عورتوں سے ہمدردی کر رہے، انصاف دلانا چاہتے ہیں تو نجیب کی ماں کو انصاف دلا دو. وہ ماں 3 مہینے سے اپنے بچے کے تعلق سے پریشان ہے. میں نے خود اس جلوس میں شامل تھا جس جلوس کو نکالا گیا تھا نجیب کے لیے. اس کی ماں کے آنسو اس سے دیکھے نہیں گئے. کسی نے کہا اویسی صاحب نجیب کی ماں آپ سے ملنا چاہتی ہے، میں نے کہا میں نہیں مل سکتا ایک ماں سے، میرے زبان سے کیا الفاظ نکلیں گے، میں کیا دلاسا دلاؤں گا اس ماں کو جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھ کر پالا، اس کو بڑا کیا، اور جب بچہ 21-22 سال کا ہوتا ہے پڑھنے لکھنے جانے کے لیے، آج وہ ماں ضعیفی میں
अपने बेटे के गम में परेशान है, मैं नहीं मिल सकता, मैं नजीब की माँ से मिलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक का नाम लेकर आपकी पार्टी मुस्लिम औरतों से इंसाफ की बात को कर रही है, हिंदुस्तान के वजीर आजम आपकी रिहायशगाह से 15 मिनट के फासले पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बताओ नजीब कहाँ गायब हो गया। एक रात पहले बीजेपी की स्टूडेंट तंजीम ने उस बच्चे को मारा था, आज तक वो नजीब गायब है। आज भी जाकर देख लो आप, नजीब की माँ दीवाना बार फिर रही है, रो रही है, फरियाद कर रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा नजीब कहाँ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का असली चेहरा अखलाक को मारा जाता है दादरी में, हिंदुस्तान के वजीर आजम आप उत्तर प्रदेश के मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी की बात करते हैं, जरा अखलाक में जाकर दादरी में जाकर अखलाक की मां को बुलाओ। मैं गया था अखलाक के घर को, मैं और स्वागत गए थे, जब हम वहां पर जाकर दादरी में अखलाक के घर में गए तो मैंने एक ज़ईफ औरत को देखा, 70 साल औरत को देखा, उसके चेहरे पर इतने मारों के निशान थे कि 70 साल औरत का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा कि भाई ये ज़ईफ अम्मा कौन है, तो रोते हुए एक आवाज पीछे से आई कि ये हमारी दादी है। मैंने पूछा क्या हुआ हमारी अम्मा को, तो आवाज ने बताया कि इसी घर के आंगन में जब जालिम संग परिवार के लोग अखलाक को मार रहे थे, पीट रहे थे, तो 70 साल की मां अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को पिटाला नहीं देकर दौड़ के सामने आई, तो जालिमों ने उस 70 साल औरत को भी इतना पीटा कि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। और जब मैं अखलाक की मां से मिला और कहा कि अम्मा मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं तुम्हारा बम बांटने को आया हूँ, तो उस माँ ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अखलाक की माँ ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि इसी आंगन में मेरे बेटे की जान चली गई, मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा मर गया, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे मरने के बाद मैं अपने बेटे के कंधे पर कब्रिस्तान को जाऊं। उस माँ ने कहा बेटा जाओ जाकर बताना कि दोबारा किसी माँ की दामन नहीं गुजर जाए, जो बताना हिंदुस्तान की आवाम को कि किसी का अखलाक ना मर जाए। अरे मोदी आप हिंदुस्तान में आप वजीर आजम है, आपके ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी की बात करते हैं, जरा बताओ आपके घर से आधे घंटे के फासले पर दादरी है, अखलाक का बेटा क्या करता है। अखलाक का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में उस वहां पर काम करता है, हमारी फिजाओं की हिफाजत करता है, मगर बीजेपी मुसलमानों से औरतों से हमदर्दी की बात करती है, दादरी में अखलाक को मार कर फेंक दिया गया। और क्या पूछते आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई कि वो खुद लखनऊ से निकल कर दादरी को चले जाते, कहा मैं दादरी को नहीं जाऊंगा इसलिए कि दादरी नोएडा में आती है, और चीफ मिनिस्टर नोएडा नहीं गए इसलिए अगर नोएडा जाएंगे तो किसी ने उनके कान में कह दिया मुख्यमंत्री जी अगर आप नोएडा चले जाएंगे तो आपकी कुर्सी खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव तुम्हारी कुर्सी जरूर जाएगी, जो हुकूमत गरीबों से इंसाफ नहीं करेगी, जो हुकूमत किसी माँ के दामन को जार देगी, अल्लाह के पास देर नहीं है, जब किसी गरीब हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद करता है तो सबसे पहले गरीब और मजलूम की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूलियत बन जाती है, और मुझे पूरा यकीन है कि इंसाफ होगा। मगर ये बीजेपी के नारे ट्रिपल तलाक करेंगे, बंद कर देंगे, सुधार कर देंगे, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकत तो ये है कि हमारे पास ये तमाम चीजें नहीं है, मगर ये लोग सिर्फ नफरत की सियासत और आवाम में नफरत पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी के पास कोई काम नहीं, कोई नारा नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी बोलते थे
अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। उत्तर प्रदेश की गरीब आवाम उनके नारों में, उनकी बातों में आकर उनको वोट किया और देख लिया कि 3 साल के अंदर अच्छे दिन तो नहीं आए। 3 साल के अंदर मोदी ने 500,000 की नोट को गायब कर दिया। आज गरीब परेशान है मुरादाबाद जिले में, मुरादाबाद शहर में। जो डेली वेज पर काम करने वाला आदमी है, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने घर को पैसा लाता है, जो किसान है, ये तमाम लोग परेशान है। और हमारे वजीर आजम ये कहती है कि मैंने 500 की नोट गायब कर दिया, 1,000 की नोट गायब कर दिया, ब्लैक मनी का खात्मा कर दिया। आज हिंदुस्तान के वजीर आजम ये बात वाला की आवाम आपसे पूछना चाहती है, बताओ कितना ब्लैक मनी का आपने खात्मा किया, कितना ब्लैक मनी का खात्मा हुआ। मगर कोई नहीं बता सकता 500,000 की नोट क्या खत्म कर दी गई। हिंदुस्तान ने 150 हिंदुस्तानियों ने अपनी जान को गवा दिया। उनका उसूल ये था कि वो बैंक के लाइन में खड़े हुए थे और उनका नंबर आते आते किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई परेशान बीमार होकर मर गया। हद तो ये हो गई कि एक शख्स ने, एक हमारी एक बहन ने लाइन में खड़े होकर बैंक के अंदर बच्चे को पैदा कर दिया। अजीब गरीब है, शादी करना है तो आज भी बैंक में आप चले जाइए, बैंक कहता है कि शादी के लिए आपको 50,000 रुपये देंगे। मेरे पास एक साहब आए, आकर कहा कि शादी का रुपया है, बैंक कह रहा है कि खाली 50,000 देंगे। और वो भी कब देंगे, जब मुकामी एसडीएम की साइन होगी और फिर उसके बाद में दावतनामा दूंगा। मैं क्या करूं, मैंने उनसे कहा एक काम करो, बैंक को जाओ और जाकर बैंक के मैनेजर से बोलो कि 50,000 तू मुझे दे दे, मैं शादी भी तेरे बैंक में करता हूं, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि बैंक में भी शादी हो सकती है। हर जगह एक नया नया कानून, पार्लियामेंट में मोदी साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते हुए कहा कि मैंने नोटबंदी इसलिए की क्योंकि हिंदुस्तान की माशियत, हिंदुस्तान की इकॉनमी बड़ी अच्छी मजबूत थी, सेहतमंद थी। उसके बाद वजीर आजम ने कहा, भाइयों बहनों आपने देखा कि डॉक्टर सेहतमंद पेशेंट का ऑपरेशन करता। मेरे भाई, हम तमाम को अल्लाह का लाखों बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मोदी वजीर आजम बन गए। अगर डॉक्टर सर्जन बनते तो कितने जिंदों का पेट काट देते, नहीं मालूम। आप देखिए, अगर आप बीमार पड़ते खुदा ना खास्ता तो आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर दवाई देता, उसके बाद शिफा नहीं हुई तो डॉक्टर बोलता मैं एंटीबायोटिक दूंगा, फिर शिफा नहीं तो कहेगा कि टेस्ट करा लीजिए खून का, आंखों का। जब भी शिफा नहीं हुई तब भी तो बोलते जाओ खाने को आइए, अस्पताल में इलाज होगा, एक्सरे एक्सरे करेंगे, बाद में बोलेंगे नहीं आपके मर्ज हो गया है, आपकी अगर जान बचाना है तो आपका ऑपरेशन करना है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने तो अच्छे खासे सेहतमंद हिंदुस्तानी का पेट काट दिया, ऑपरेशन कर दिया और हिंदुस्तान की लोकसभा में खड़े होकर कमर पे हाथ रखकर कमर को मटका कर कह रहे कि मैंने ऐसा कर दिया। वाह हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या सोच है आपकी, क्या फिक्र है आपकी, क्या आपके एक फैसले ने हिंदुस्तान के गरीबों से उनका उनको गुर्बत में और इजाफा कर दिया। किसान परेशान हो गया, बच्चियों की शादियां होना मुश्किल हो गई, मुरादाबाद में ब्रास का कारोबार करने वाले परेशान, वो दस्तकार परेशान, पूरा मुल्क परेशान। और आपने सबको लाइन में खड़ा कर दिया, पैसा मेरा है मगर मुझे लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। अजीब दौर से हिंदुस्तान आज गुजर रहा है मेरे अजीब दोस्तों और बुजुर्गों। बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। ये रोमियो स्क्वाड क्या है,
नहीं कोई बच्ची को ना छेड़े। अच्छा, कितने लैला मजनू को आप देख चुके हैं? आपको क्या तजुर्बा है? हम रोमियो स्टार नहीं बनाएंगे। फिर मोदी का ये कि उत्तर प्रदेश में पजामा पास था, हमारी सरकार बनेगी तो हम जितने स्लॉटर हाउसेस है उसको बंद कर देंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्यों आप उत्तर प्रदेश के बंद करना चाहते हैं? पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो गोश्त के एक्सपोर्ट को, 30,000 करोड़ का नुकसान मुक्त होगा, 30,000 करोड़ का। और जब से मोदी वजीर आजम बने, हिंदुस्तान से गोश्त का एक्सपोर्ट बढ़ गया। आप ये करना चाहते हैं, इनके पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किए थे, 15 लाख नौकरियां बीजेपी दे सकी। मेरे भाई, मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे, क्या आपके अकाउंट में 1500 रुपए तक नहीं आ? और जो 15,000 बैंक में है वो भी मैं नहीं निकाल सकता। और इनका वादा 15 लाख आएंगे, कहां के 15 लाख? ये सिर्फ वादे करने में माहिर है, ये सिर्फ जुमलाबाजी करके चले जाते। ये नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव, ये दोनों सपनों के सौदागर है। ये सिर्फ आकर वादे करना इनका काम है। अखिलेश यादव ने बड़े बड़े वादे किए थे 2012 में, आपने सुना भी, अख्तर अली खान साहब कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने ये वादा किया था कि 18% रिजर्वेशन देंगे। मेरे भाई, 18% रिजर्वेशन नहीं दे सके। और झूठ बोलता है अखिलेश यादव कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जिस रियासत से मैं आता हूं, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, वहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सकता है, तो आप बताइए आप क्यों नहीं दे सकते रिजर्वेशन? रिजर्वेशन इसलिए नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डीएम बने, एसएसपी बने, हुकूमत की मुलाजमत में उनको उनका हक मिले। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें समाजवादी करती है और कांग्रेस से इत्तेहाद करने के बाद कहते हैं कि हमको मुल्क को बचाना है। अरे, तुम अपने आप को बचाने के लिए, अपने जुल्म को छुपाने के लिए, अपने अकेदार के तुम्हारे गलतियों को बचाने के लिए तुम आज अलायंस करके सामने आते हो। मेरे भाई, आपको मालूम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नुमाइंदगी गवर्नमेंट की मुलाजमतों में सिर्फ 5% है, सिर्फ 5% है। और नौकरियां तो बड़ी देते थे, नौकरियां बड़ी देने का वादा किए थे, कौन सी नौकरी दिए? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने 5 साल में 4,60,000 लोग बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी है। मैं आज पाकवाड़ा के जलसे से यहाँ पर मौजूद देखता हूँ कि हजारों की तादाद में नौजवान खड़े हैं। मेरे भाई, जरा हाथ उठाकर बता दो जिसको नौकरी मिली, जिसको अखिलेश ने नौकरी दिया। मैं देखना चाहता हूँ किसको नौकरी मिली। अच्छा, कितनों को नौकरियां चाहिए, हाथ उठाइए। ये आपको हाथ आ चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला जरा अखिलेश यादव को जवाब देना। जब 15 तारीख को आप जाएंगे, इनके वादे को याद रखना। नौकरियों का वादा किए थे, नौकरी को नहीं किए। मगर मेरे भाई, आज आप यही चीजें हैं कि कोई पूछने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सुनसान हो चुकी है, वहां पर कोई मर्द मुजाहिद की आवाज नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सब डरते हैं अपनी अपनी पार्टियों के लीडर से कि अगर मैं अपनी जबान से कुछ कहूंगा तो मेरा टिकट काट दिया जाएगा। अरे, किस बात की जिंदगी, क्या फायदे की तुम्हारी जिंदगी जब गरीब आवाम तुमको वोट डालकर तुम पर एहसान करती है और बहसियत एक नुमाइंदे के मेरा और किसी विधायक का काम ये होता है कि मैं अगर पार्लियामेंट को जाऊं, अगर विधानसभा को जाऊं, तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है
कि मैं आवाम के मसाइल को उठाऊं, आवाम के हक के लिए लड़ूं। मेरे भाई आज नीलेश के पूरे वादे झूठे साबित हुए। पुलिस ने कहा था कि मुस्लिम इलाकों में कैंप करके बेरोजगार नौजवानों को पुलिस में भर्ती कराएंगे। मेरे पास राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एक पूरी इंफॉर्मेशन है। उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर पुलिस कुल है 10,190, कितने मुस्लिम ईसाई है 236, यानी 2%। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस के कांस्टेबल है 8,224, कितने मुस्लिम अकलियत के हैं 270, ये भी 3%। हेड कांस्टेबल कितने हैं 1,01,245, कितने मुस्लिम अकलियत के हैं आपको जानकर हैरत होगी 4,430, यानी 4%। अब आप बताइए ये क्या करेगी समाजवाद? ये समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है, ये परिवारवाद है, ये यादववाद है, ये खानदान पर ही मरने के नारे हैं। इनको कोई दूसरा नजर नहीं आता। ये आरटीआई से निकाले में आजाद शुमार है मेरे भाई। आप बताइए कि ये पुलिस वाले आज इस जलसे के इंतजामात में ताउन पेश कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अखिलेश यादव से मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पूरे पुलिस की सैंक्शन के अजादे जो है वो 3,65,000 है। आज की तारीख में अगर कितने पुलिस वाले काम कर रहे हैं 1,70,000, 1,70,000 पुलिस के अहदेदार काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि करीब 2,00,000 के करीब जायदादे खाली पड़ी है। 5 साल में अगर अखिलेश यादव इन पुलिस में जायदादों को पूर कर देते तो कई नौजवानों को नौकरियां मिल जाती, मगर नहीं करे, नहीं करे। इसलिए नहीं करे कि चाचा देख रहे थे कि मैं कितनी मरी खाऊंगा, भतीजा देख रहा था कि मेरा हिस्सा कितना है, पिताजी देख रहे थे कि भाई और बेटा मलई खा रहा है तो मैं क्या छांस में होगा। ये दीन की लड़ाई में पूरा बेड़ा गर्क हो गया उत्तर प्रदेश का। बाप कहता है बेटे के ताल्लुक से मुलायम सिंह यादव साहब कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है। कहा था नहीं कहा? फिर जो बाप बोलेगा यकीन करेंगे या जो ओवैसी बोलेगा यकीन करेंगे? तो जब बाप बोल रहा है तो बाप को यकीन कर लो और विदा ना को कामयाब करो। वो खुद कह रहे मुस्लिम विरोधी है। मेरे भाई ये काम अखिलेश यादव का आर का कल दिल्ली में एक ह्यूमन राइट्स की तंजीम है दुनिया की मशहूर, एमनेस्टी इंटरनेशनल उसका नाम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अखिलेश यादव की हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी। और क्या कहा उसने कि जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ था उस फसाद के बाद 7 खवातीन पुलिस में जाकर कंप्लेन किए। और आपको मालूम उत्तर प्रदेश में ये आज अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं औरतों को प्रेशर कुकर बांटूंगा, प्रेशर कुकर बांटेंगे खवातीन को, घी बांटेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 साल के दौरान औरतों के बलात्कार में 200% इजाफा हुआ है, 200% इजाफा हुआ है। यह अखिलेश यादव का विकास है, यह अखिलेश यादव का नारा। वो जब जाते हैं जनसभा में कहते हैं कि काम बोलता है, तुम्हारा काम ये बोलता है कि तुम्हारे 5 साल में उत्तर प्रदेश में 200% इजाफा हुआ औरतों के बलात्कार का, यह अखिलेश यादव तुम्हारा काम बोलता है। और आप जानते हैं मेरे भाई ये बैन अल-अक़वामी तंजीम ने क्या कहा कि 7 खवातीन पुलिस में जाकर कंप्लेन किए सितंबर 2013 के बाद
इनके नाम उन्होंने लिखे, एक का नाम हसाना था, एक का नाम फातिमा था, एक का नाम चमन था, एक खातून का नाम बानो था, एक का नाम दिलनाज था, एक का नाम ईसा था। ये सातों सुप्रीम कोर्ट को गए, जाकर अदालत उस्मा के जज के सामने कहा कि जज साहब हमारी इज्जत लूटी, हमसे इंसाफ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव हुकूमत से कहा कि इनको 5 लाख दो, इनको तहफूज दो, एक मजिस्ट्रेट औरत के सामने बयान कलम मत करवाओ और खातियों पे सजा दिलाओ। आपको मालूम मेरे भाई, 3 साल हो गए, उस 7 में से एक खातून जिसका नाम ईशा था वो इंतकाल कर गई। पिछले साल वो बच्चा पैदा करी और उसी साल इंतकाल कर गई। वो अपनी जिंदगी में देख भी नहीं पाई कि जिस जालिमों ने उसकी इज्जत लूटी उसने उसको इंसाफ मिले। एक हमारी खातून जिसका नाम गजाला है, गजाला है, वो कहती है कि मैं जब कोर्ट में जा रही थी तो कोर्ट के सामने वो जानवर जिसने मेरी इज्जत लूटी थी, मेरे बच्चे के सामने मेरी इज्जत लूटी थी, इस रिपोर्ट के अल्फाज में दोहरा रहा हूँ। ये रिपोर्ट में कहती है हमारी बहन गजाला कि 3 लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत लूटी, मेरे बच्चे के गले पर चाकू रखकर कहा कि अगर तू आवाज करेगी तो मेरे बच्चे के गले को काट देंगे। मेरा बच्चा मुझे देख रहा था, देख देख कर जब मुझसे हार हो रहा था, बेहोश हो गया। ये औरत कहती है कि मैं बड़ी हिम्मत करके उठी, पंप के पास गई, ट्यूबवेल के पास जाकर अपने जिस्म को धोया, अपने बच्चे को पानी पिलाया क्योंकि मेरा बच्चा बेहोश हो गया था। ये खातून गजाला कह रही है जब मैं कोर्ट को जा रही थी इन जानवरों के खिलाफ बयान देने के लिए, तो तफंचा लगाकर उसके बच्चे के पेशानी पर लगा दिया गया और कहा अगर तू कोर्ट में जाकर हमारे ताल्लुक से कहेगी तो तेरे बच्चे को गोली मार दी जाएगी। और वो जाकर कोर्ट में कहा कि जज साहब इन्होंने, इन जालिमों ने मेरी इज्जत नहीं लूटी, उसका शौहर इंडियन एक्सप्रेस का बाहर